स्मॉग जो बनता है वो ह्यूमिड एयर, उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनके आसपास पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि हम इसको सब इनहेल भी करते हैं, जो सारी गैसेस हैं ये हमारे सांस के साथ अंदर जाती हैं, तो लंग्स में, और फिर लंग्स के बाद ये काफ़ी कुछ कई बार होता है ब्लड में भी एब्जॉर्ब होती हैं कुछ ये टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स हैं। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम स्टूडियो में आए हैं दो ऐसे विशेषज्ञों के साथ जो कि एक ऐसी अवस्था के ऊपर और एक ऐसी स्टेट के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसने कि सारे लोगों की जिंदगी को दुबर किया हुआ है, और वो सिचुएशन आप समझ ही रहे होंगे कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के शहर ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के शहर भी जो है इसकी चपेट में आए हुए हैं। ये इशू है पर्यावरण का। पर्यावरण इतना खराब हो रहा है, सर्दियों की शुरुआत है। पहले देखते थे कि ज्यादा सर्दी है तो फॉग की वजह से जो है परेशानी होती थी, धुंध पड़ती थी और गाड़ियां विजिबिलिटी कम हो जाती थी, लेकिन एक जो सिचुएशन नई बनी है वो है कि स्मॉग जो बनने लगा है, पॉल्यूशन के साथ फॉग, और उससे एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि लोग उसके अंदर बीमार भी हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलाने में दिक्कत होती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन सारी सिचुएशंस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पर्यावरण विद मिस्टर आर के कोहली, जो कि वाइस चांसलर हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के फिलहाल, और इससे पहले वाइस चांसलर रहे हैं बठिंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। इसके साथ ही ये इकोलॉजी के बारे में और पर्यावरण डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं, हेड रहे हैं वहां पे। और दूसरे हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के जिंदल, जो डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के जो है पीजीआई में हेड रहे हैं, और बहुत मरीजों को देखा है उन्होंने और उनको ठीक किया है, और उनकी इन स्पेशलाइजेशन का हम जो है एक फायदा उठाते हैं और इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सिचुएशन बनी है, पहले हम कभी सोचते थे कि दिल्ली एक अकेला ऐसा शहर है जहां पे हम पढ़ते थे कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी जो है पर्यावरण की दिक्कत आ रही है और वहां पे विजिबिलिटी कम हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सिचुएशन इस बार चंडीगढ़ के अंदर भी आई है। क्यों आई है, वजह क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे क्या चीजें हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चंडीगढ़ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अंदर पहुंच गया हिंदुस्तान के अंदर? आपकी बात में दम है। एक तो आपने शुरू में बोला कि सारे विश्व में ये स्थिति आ गई है, मोर और लेस यू आर राइट। ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बातें करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, इसका इम्पैक्ट तो है। स्मॉग जो बनता है वो ह्यूमिड एयर, उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनके आसपास पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हैवी हो जाता है और वो नीचे हो जाता है। पानी से फॉग तो बनता है, और ये प्रक्रिया जो है ये नोन है, यूनिवर्सल है। जिन जगहों पर ह्यूमिडिटी ऑफ द सॉइल ज्यादा होती है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर सुबह धूप निकली है, शाम को उस दिन फॉग होगी, क्योंकि धूप जब पृथ्वी पर पड़ेगी उससे इसके वाटर वेपर ऊपर उठेंगे, ठंड होगी तो वो कंडेंस हो जाएंगे, हम इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फॉग का बनना स्वाभाविक है। हाँ, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था इसके साथ जुड़ा हुआ कि चंडीगढ़ में क्यों इस बार, हम भी सोचते हैं कि चंडीगढ़ में 400 से ऊपर एक्यूआई चला गया तो क्या रीजन है। एक तो समझ आता है कि हालांकि सरकार ने बैन किया था क्रैकर दिवाली के ऊपर, फिर भी सारे हिंदुस्तान में, चंडीगढ़ कोई अलग नहीं, यहां पर भी क्रैकर चलाए गए। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। दो तीन चीजें मिलकर अगर आप समझने की कोशिश करो, चंडीगढ़ एक ऐसा यूनिक शहर है जिसके अंदर व्हीकल्स, मोटराइज्ड व्हीकल्स, वो मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है। हमारी पॉपुलेशन चंडीगढ़ की तकरीबन 12,70,000 है,
और चंडीगढ़ के अंदर जो व्हीकल्स हैं वो 13,71,000 जितने बंदे हैं उनसे ज्यादा व्हीकल्स हैं, ये इंटरनेट के ऊपर डाटा सरकारी डाटा कह रहा है। और एरिया छोटा है, एरिया छोटा, एरिया 78 स्क्वायर किलोमीटर है। अब अगर आप पर यूनिट एरिया देखें मोटराइज्ड व्हीकल्स मैक्सिमम मिलेंगे। मैं पहले सोचता था कि बेंगलोर एरिया में मोटराइज्ड व्हीकल्स ज्यादा है, पर वहां पर स्कूटर ज्यादा है और चंडीगढ़ ने अब उसको भी सरपास कर दिया। सेकंड, पॉपुलेशन डेंसिटी, छोटे से एरिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर आप कैलकुलेट करो तो जितने भी यूटी या स्टेट्स हैं, यूटी चंडीगढ़ इज यूटी, ये टॉप पे आती है, वेरी क्लोज नेक्स्ट टू दिल्ली, दिल्ली और चंडीगढ़ के बराबर। बट दिल्ली का एरिया बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स मोटराइज्ड व्हीकल्स कम है। अब जो मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं उसका इशू क्या है, इशू ये है कि जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं उसकी जो एग्जॉस्ट होती है, एग्जॉस्ट में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ये गैसेस निकलती हैं। बट अगर ये चंडीगढ़ ऐसा ना होता जिसमें जितने हमारे पास यहाँ पर वृक्ष हैं, पेड़ हैं, जितना ये ओपन है, जितनी सिविलाइज सोसाइटी है, तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं हमेशा दाद देता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इतनी कम्प्लेक्सिटी के होते हुए भी दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द सिटी। ये कहना हम क्रिटिसाइज तो मिनटों में कर देते हैं पर सच्चाइयाँ हम भूल नहीं सकते। तो चंडीगढ़ के अंदर जो अब हमारी AQI ज्यादा हुई है, वो हम कई बार ये भी कहते हैं कि जो पराली जलाई जाती है जी, उसके भी कण तो ऊपर उड़ते हैं और एयर के अंदर कहीं पर ऐसी बैरियर तो है नहीं, तो वो आ जाते हैं। और जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन में जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से ओपन एरिया से जहां पर कंसंट्रेशन कम है वहां पर पार्टिकल चले जाते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि चंडीगढ़ में हमें 2024 में हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। इसमें अगर हम एक चीज को देखें तो सबसे बड़ा कारक व्हीकल्स को मान सकते हैं कि व्हीकल्स एमिशन जो हो रहा है। नंबर दो, पराली का भी एक सब्जेक्ट आजकल चल रहा है, पराली की वजह से भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सही कह रहे हो। तीसरा जो है, जो एक मानवीय और कारणों से भी जो है पर्यावरण बिगड़ा है, किस चीज को ज्यादा मानना पड़ेगा हमें? देखो ऐसे है कि व्हीकल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते जी। हालांकि चंडीगढ़ के अंदर कोई मेगा इंडस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन हो, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी साउथ की तरफ है और इसकी जो विंड जो है विंड इस तरफ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता। जो प्लानर्स ने बहुत अच्छा प्लान किया, व्हीकल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नंबर ऑफ पीपल को इग्नोर नहीं कर सकते। एक और है कि जो हमारे वी आर ऑन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, तो इसमें एक होता है थर्मल इन्वर्जन के शहर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स ये ऊपर उड़ के जा नहीं सकते, ऊपर हॉट एयर है नीचे कोल्ड है, वो नीचे दबी रहती है और उसी वजह से, और इसका इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर तो है ही, विजिबिलिटी, एक्सीडेंट्स और इरिटेबिलिटी, साइकोलॉजिकल रैक्स, तो ऐसी चीजें इसका इम्पैक्ट है जी। डॉक्टर जिंदल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पर्यावरण की स्थिति बन रही है और ये जो मौसम खराब हो रहा है, इसका लोगों की सेहत के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है? देखो, इसका इफेक्ट तो बहुत है, कई किस्म के इफेक्ट्स होते हैं। एक तो हम जिसको माइनर या रूटीन प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स या टॉक्सिक गैसेस जो बताई हैं डॉक्टर कोहली साहब ने, तो उनके कारण होती हैं। दूसरे हैं डीप सिस्टेमिक इफेक्ट्स, जो कि शरीर के अंदर के भागों में, लंग्स में, हार्ट में या ब्रेन पे भी इफेक्ट हो सकते हैं। सुपरफिशियल इफेक्ट्स तो जैसे कि जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं, जैसे आंखें हैं या स्किन है, नाक है, मुंह है, उसमें बड़े
कॉमन होते हैं, आंखों में ड्राइनेस, पानी निकलते रहना आंखों में, आजकल बहुत ऑलमोस्ट 50-60% लोगों को तो जनरली ये सुपरफिशियल जो असर हैं वो तो होते ही रहते हैं, नाक में से पानी आना, छींके रहना कॉमन, तो बार बार नाक साफ करना, इवन फ्लेम पैदा होना, थूक, जो आजकल बड़ी कॉमन कंप्लेंट हम देखते हैं ओपीडीज में, कि अरे कहते हैं कि जी थोड़ी सी बलगम यहाँ से फंस जाती है, फिर खांसी करनी पड़ती है, फिर निकलती है, तो ये सब इरिटेंट इफेक्ट्स हैं मोस्टली, कि जो जो कुछ हम इनहेल कर रहे हैं पार्टिकल्स खास करके, तो ये तो ऑलमोस्ट बहुत कॉमन है, इवन स्किन में इरिटेशन, इचिंग वगैरह, खुजली होते रहना, ड्राई स्किन होना, तो ये एक्सपोज्ड पार्ट्स में बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे हैं क्योंकि हम इसको सब इनहेल भी करते हैं, जो सारी गैसेस हैं ये हमारे सांस के साथ अंदर जाती हैं, तो लंग्स में, और फिर लंग्स के बाद ये काफी कुछ कई बार होता है ब्लड में भी अब्जॉर्ब होती हैं कुछ ये टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके कारण शरीर के बाकी हिस्सों में भी हो सकते हैं। लंग्स में जैसे है कि खांसी होना तो है ही, इम्यूनिटी डाउन होती है, खाना पीना भी थोड़ा सा कम होता है, बाकी इरिटेशन होती है फेफड़ों की, इससे अस्थमा के दमा जिसको कहते हैं हम, उसके अटैक्स बड़े चढ़ते हैं, सांस का आना, सांस चढ़ना, मतलब कि ये बड़ा कॉमन है। फिर जब ये गैसेस ब्लड में चली जाती हैं तो ये कई टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो कि बाकी शरीर के हिस्सों में, जैसे खास करके हार्ट पे ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक ये कारण है। अगर कोई जो बीमार आदमी है या जो ओल्ड लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन पे तो असर और भी ज्यादा होता है, कई बार ये हार्ट अटैक का भी कारण बन जाते हैं। बाकी जैसे ब्रेन में इरिटेशन है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बड़े होते हैं इसके कारण, जो हेडेक्स बड़े हो जाते हैं लोगों को, तो ये सब कुछ कई चीजें हैं जो कि इमेज होती हैं, कई कहते हैं हम क्यूमुलेटिव हैं, कई शरीर में एक तरह से जब गैसेस इकट्ठी होती रहती हैं कुछ होता है तो धीरे 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 जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, तो बाकी सिस्टम्स पे भी असर कर सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज जो देखने में आई है डॉक्टर कोहली, कि जो ये अब सिचुएशन बनी है इसका कोई हल हमारे प्रशासन के पास कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली का देखो तो गाड़ियां बंद कर दो, ग्रैब 3 अभी लागू कराया उन्होंने दिल्ली के अंदर, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद कर दी, ऑल्दो इसके अफेक्ट्स रहते हैं नो डाउट, और उसके बंद करने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे क्या चीजें प्रशासन को करनी चाहिए? देखो ऐसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि प्रॉब्लम्स तो हमें दिख रही है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में मैं भी कई बार सोचता हूं कि अगर मैं हूं तो क्या करूं, हम क्रिटिसाइज तो कर देते हैं सरकार को भी, इतना आसान नहीं है। जैसे दिल्ली में इन्होंने अल्टरनेट डेज के लिए गाड़ियां बंद की, सक्सेसफुल नहीं हुआ, सोचा था कि मेट्रो आने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दिल्ली में, प्रॉब्लम वहीं की वहीं। एक तरफ तो हम डेवलपमेंट का मॉडल लेके चलते हैं कि डेवलप करें, और डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो हम लेते हैं कि जी कितनी गाड़ियां आ गई, कितनी इंडस्ट्री आ गई, इसका जो फॉल आउट होता है उसको हम असेस नहीं करते, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा उसको असेस नहीं करते। ये हमारा जितना भी इकोनॉमिक मॉडल चलते हैं सारे वर्ल्ड के अंदर यही है, एवरी गवर्नमेंट वांट्स के हमारे पास पैसे ज्यादा इकट्ठे हों, इसका इंपैक्ट क्या होगा हेल्थ के ऊपर, क्या होगा या इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, नोबडी स्टडीज। अब मैं ये देखता हूं कि हमारे लीडरशिप ने, जो देश की लीडरशिप थी मोदी साहब ने, ये लॉकडाउन किया था, आपको भी याद होगा कई हमने वीडियो देखे उस वक्त कितना क्लीन एनवायरनमेंट था। वो क्या मॉडल हमें अब अप्लाई नहीं कर लेना चाहिए जी? जब हम यहां पर एक हफ्ते के लिए चंडीगढ़ में हम कहते हैं स्कूलों को बंद कर लो, स्कूलों के बंद करने से कुछ नहीं होगा, प्राइमरी स्कूलों को बंद करके क्या हो जाएगा, बहुत माइनर नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा, वो इसलिए कि भाई बच्चे हैं, बच्चों को ऊपर इम्पैक्ट कम हो, वेट के बेस के ऊपर होता है ना इम्पैक्ट जी। पर अगर हमारी इंडस्ट्री चलती रही, सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलती रही, दफ्तरों की गाड़ियां चलती रही, दफ्तरों की गाड़ियां जो है सरकारी गाड़ियां इतनी अननेसेसरी चलती हैं ना, क्या बताएं आप। तो अगर एक हफ्ते के लिए
जो ऐसा मौसम आता है, टाइम आता है, और ये हर साल आता है और आगे आएगा, हमें होना चाहिए कि इस पीरियड को हम लॉकडाउन करते हैं। जी, सबको पता है कि हमने अपनी घर की जरूरत की चीजें इस टाइम पे लॉकडाउन होना है, आगे पीछे की जा सकती है थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन दी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एंड ये हमें पहले पता लग जाता है कि इस दिन में ऐसे होगा। जैसे आज हमें पता था कि आज धूप निकलेगी, अब मुझे शक है कि शाम को धुंध होगी। ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनको पता है, तो हमारी सरकार को भी पता होगा, वो हमें हफ्ता दो हफ्ते पहले अगर बता दें कि ये लॉकडाउन होगा तो वी कैन टेक केयर ऑफ इट, एंड हमारे इकोनॉमी को इतना असर नहीं पड़ेगा। जी जी जी, मैं एक तो ये सोचता हूँ। दूसरा, हमारी जो सोच है, सोच में हमें बदलाव लानी पड़ेगी। आप परमानेंट की बात कर रहे हो, परमानेंट सोल्यूशन तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने अपने डिवेलपमेंटल मॉडल को इतना फास्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो डिवेलपमेंट, फास्ट डिवेलपमेंट, ये हर सरकार की एक बन जाती है, मजबूरी बन जाती है, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू डेवलप। जी, तो अगर हम उस सोच के अंदर थोड़ी तब्दीली लाएं, जी, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सारे देश के अंदर यूनिफॉर्म नहीं है, पॉकेट्स के अंदर, उन पॉकेट्स के अंदर करें। और जैसे पंजाब के अंदर बिकॉज ऑफ पुराली है ज्यादा, वहां पर कंट्रोल करना चाहे सरकार तो हर चीज कर सकती है। इन्होंने बेल्ट लगानी, हेलमेट लगाना कंट्रोल कर लिया, हर चीज पॉसिबल है। हम वोट को देखते बिना, वोट पॉलिटिक्स को छोड़ दें और ह्यूमन पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाए, ह्यूमन हेल्थ पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाए, पॉसिबल। लेकिन पंजाब के अंदर अगर एक इशू देखें, सरकार की तरफ से भी एक स्पष्टीकरण आता है कि हमने जो है अगर धान लगाया तो हम पूरे विश्व को जो है चावल खिला रहे हैं। Agreed. और उसके बाद हमने अपना पानी भी जमीन का खोया है। हाँ. तो वो कहीं ना कहीं अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो आपने बात करी, अगर आपको एक जरिया हाँ. बनाना है, फूड ग्रेन्स उगानी है, हाँ. या तो उसका विकल्प दो, डाइवर्सिफिकेशन हो, वो विकल्प अभी तक सरकारों के पास नहीं है। है विकल्प, है, पर यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जी इशू आ जाता है। हर बंदे की अपनी चॉइस है कि मैं करूं या ना करूं, नहीं मानता फिर वो अपोजिशन वाले आ जाते हैं। यू नो, हम अपने अपने देश के बारे में कोई सोच नहीं रहा, हर बंदा अपना, अपनी पार्टी, अपना घर, मैं उसके ऊपर। जी, ये डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो, आप कंपेयर करो सिंगापुर के साथ। सिंगापुर छोटा सा देश है जी, उस देश को मैं अपने चंडीगढ़ के साथ अगर कंपेयर करूं, उसका लैंड एरिया हमारे से 10 गुना ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है जी, व्हीकल्स और भी कम है। हम यहाँ पर है एक गाड़ी नहीं, अब पहले एक हफ्ते थी, बच्चे कहने नहीं पापा ये ना छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी लेनी। अब वो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी करते करते हर घर के अंदर नंबर ऑफ व्हीकल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल, मतलब कुछ घरों में तो ऐसे है। और ये भी अब जो सरकार ने किया है, नॉट ए बैड आइडिया कि 15 साल के बाद उसको बंद कर दो जी, उसमें भी एक इशू है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज इंक्रीज्ड एंड नोबडी लुक्स इनटू इट। सरकार को ये है कि हमारी गाड़ियां बिके, हमारे पर टैक्सेस आए। लेकिन लोगों के सामने भी सर एक समस्या है, समस्या ये है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी तो इसकी होनी चाहिए, और वो वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल, इसी पे मैं आ रहा था जी कि सरकार की, मैं इसीलिए सरकार को क्लैप्स करता हूँ कि दे आर थिंकिंग अबाउट इट, एंड यहाँ पर भी हमारी मेट्रो का शुरू करने की कोशिश है। अब किस जगह पर है मैं उस पॉलिटिकल इशू में नहीं जाता, मुझे इतना पता भी नहीं है, बट डिले हो रही है। अगर हमारे पास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन की, रैपिड कन्वीनियंस की इशू बन जाए जी, तो ये प्रॉब्लम हल हो सकता है, थोड़ा हल हो सकता है। यू नो, कंप्लीट हल तो तभी होगा जब हमारा पूरे का पूरा मॉडल सिस्टम चेंज करें। मैं यही चाहता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो सारे देश के अंदर एग्जाम्पल क्रिएट करते, इसलिए पॉसिबल है। अगर आपको भी हम कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी आप बन जाओ, कैसे करोगे, आप भी यही चीजें सोचोगे जी जी, पर इसको इम्प्लीमेंट करना उसका एक ढंग है, क्योंकि चंडीगढ़ ने जैसे कर दिया था कि सोलर पैनल लगेंगे, वो एकदम के जी हर घर के अंदर एक
एक कनाल से ऊपर जिसका घर होगा नहीं तो हम उसका घर जब्त कर लेंगे, वैसी चीजें ना करें, सोच समझ के। पॉसिबल है जी, इट इज नॉट, विच इज नॉट पॉसिबल जी। तो जो नेचुरल कैलमिटीज आती हैं या नेचुरल इश्यूज हैं, जैसे स्मॉग एंड फॉग नेचुरल इशू है, तो उसका समाधान तो इंडिया के पास क्या, ह्यूमन बॉडी के पास है। वी कैन डू इट। अगर हम एक हफ्ता सिर्फ घर में रहें तो कम से कम जो जिंदल साहब की प्रॉब्लम तो कम हो जाएगी। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, वो ये कि आप पल्मोनरी डिपार्टमेंट में रहे हैं और आपके पास एक पेशेंट्स इस तरह के आते रहते हैं, छाती से जुड़े या अस्थमा या ये एलर्जीज से जुड़े पेशेंट्स जो हैं इस तरह के मौसम में, या मौसम चेंज हो रहा है जिस वक्त और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई कि पर्यावरण खराब हो गया, तो किस कितने बढ़ जाते हैं? देखिए, लगभग पेशेंट का नंबर तो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल तो हो जाता है इस सीजन में। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था कि अगर स्मॉल सिस्टम जो कंप्लेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दें हम, ठीक है ना, तो जो एस्थमा है या बाकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उनका नंबर सर्टनली जो 2-3 गुना तो ज़्यादा हो जाता है। निमोनिया के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो वो भी आजकल के समय में काफ़ी बढ़ जाता है। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं उन पेशेंट्स में और भी ज़्यादा होती हैं जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना, चाहे वो लंग्स की प्रॉब्लम हो या इवन हार्ट, बाकी भी प्रॉब्लम है, जैसे इवन जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं जो छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एज है, माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, या और कैंसर से सफर कर रहे हैं जो कीमोथेरेपी पे हैं, और किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, तो इन लोगों की इम्यूनिटी बड़ी लो होती है, तो ये तो इस मौसम में इनको इन्फेक्शन होनी ही होनी है, ऑलमोस्ट ये समझ के चलना पड़ता है। तो अगर हम आम आदमी के हिसाब से पूछें तो एहतियात के तौर पे जो है किस तरह के उपाय जो है आप घर में कर सकते हैं, या ये बड़े इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, ने जो जनरल मेजर्स, एनवायरमेंटल मेजर्स हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसके बारे में बताया, लेकिन पर्सनल प्रोटेक्शन भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिसको कोई प्रॉब्लम है जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार। तो बड़े लोग आते हैं कि जी मास्क लगा सकते हैं, मास्क पहन के, तो मास्क थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उनको ही फिल्टर करता है, क्योंकि हवा ने तो जाना ही जाना है, ठीक है, सांस तो लेना ही है आपको, तो जो गैसेस हैं वो नहीं इससे प्रिवेंट होती, वो फिल्टर आउट नहीं होती इन चीजों से। तो जैसे कोविड के टाइम पे वो लगाए थे जो स्पेशल मास्क N-10, ठीक है ना, तो उस टाइप के मास्क वो पहनना बड़ा जरूरी होता है, पर वो पॉसिबल भी नहीं होता हर टाइम पे। तो एक तो यही है कि आप जब मैक्सिमम पोल्यूशन हो बाहर मॉर्निंग टाइम पे या शाम को जब स्मॉग ज्यादा है तो घर से बाहर मत निकलिए। दूसरा है कि अपना शरीर का ख्याल रखिए कि जैसे कि हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस समय में, जब खूब फ्लूड्स ले लेने चाहिए, न्यूट्रिशन जनरली एडिक्वेट होनी चाहिए, जो फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ठीक होना चाहिए। और तीसरा है कि जो वैक्सीनेशंस वगैरह जो पेशेंट्स हैं अस्थमा के, या उनको प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन जैसे फ्लू की है या कई बार निमोनिया की भी लगानी पड़ती है, तो ये प्रिवेंटिव वैक्सीन आई थिंक जरूरी हैं लगा के रखना। बाकी अगर जो पेशेंट्स मेडिसिन पे हैं आपके कोई, तो उसका बड़ा रेगुलर सेवन होना चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए, कोई इग्नोर मत करिए उन चीजों को, अपनी रेगुलर मेडिकेशन को, और छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि उसको बिगड़ने से पहले उसका हल ढूंढा जा सके। सर, एक सिचुएशन कोहली साहब ये है कि चंडीगढ़ ग्रीन सिटी माना जाता है, और उसमें ये सिचुएशन चंडीगढ़ के अंदर पहली बार आई है जो हमारे टाइम में देखा गया है कि पहले कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी। तो इसका भी मैं जानना चाहूंगा कि एक तो कारण क्यों रहा, ये वजह तो आपने खैर कुछ वजहें बताई है, सिर्फ यही वजह है या कि ये अचानक होने का कुछ और भी कारण रहे हैं? नहीं, अचानक होने के और क्या कारण हो सकते हैं मुझे नहीं समझ आती, पर यह है कि चंडीगढ़ के अंदर जो वृक्ष ज्यादा हैं जी, इनकी वजह से ये जो इम्पैक्ट है वो कम हुआ है थोड़ा। ओके, क्योंकि जितनी भी
पेड़ों की कैनोपी है वो सारे इन पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कम हुआ है, मैं इस चीज को मानता हूँ। पर एट द सेम टाइम पेड़ों से जो ट्रांसपिरेशन होती है, वाटर ड्रॉपलेट तो आते हैं बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है ये ज्यादा हो, क्योंकि जब भी आप कभी जाते हो आउटस्कर्ट्स पे जाते हो तो जहां पर खेतों में पानी दिया होता है जी, वहां पर फॉग ज्यादा हो जाती है पर स्मॉग नहीं होती। चंडीगढ़ के अंदर स्मॉग बन जाएगी क्योंकि यहाँ पर गैसेस, ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर, उनकी वजह से स्मॉग आ जाती है, बन जाती है। तो देखो पुराली एक वन रीजन जो मैं समझता हूँ, व्हीकल्स दूसरी रीजन, तीसरा प्लस एज वेल एज माइनस ऑफ द वेजिटेशन, तो और लोकेशन पहाड़ों के नजदीक, तो ये सारी चीजों का अपना अपना योगदान है इस सिचुएशन को लाने के लिए जी। पर एक और भी, जैसे डॉक्टर जिंदल बता रहे थे कि जो अस्थमेटिक अटैक और ये चीजें, हमारे यहाँ पर शहर में एग्जॉटिक ट्रीज भी हैं जी, एग्जॉटिक ट्रीज के जो पोलन्स हैं उनके जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हमारे पॉपुलेशन को सूट नहीं करते शायद, उसकी वजह से भी उनको एलर्जी है। तो उस उन एलर्जीज के साथ साथ ये एयर हो जाती है क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर रहते हैं, अदरवाइज अगर ये ऐसे स्मॉग की सिचुएशन ना हो तो ये पार्टिकुलेट मैटर नीचे आ जाएंगे या उड़ जाएंगे, तो हमारे को फ्रेश एयर मिलती रहेगी। तो ये कुछ रीजन मैं समझता हूँ। लेकिन सर जैसे आपने लॉकडाउन का एक कारण बताया कि लॉकडाउन करा जा सकता है एक हफ्ते के लिए, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपने पहले भी देखे हैं कोविड के दौरान में कई सारे रहे हैं, पॉजिटिव तो कोई उसका नेगेटिव में, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाओगे तब नेगेटिविटी शुरू होती है जी, शॉर्ट टर्म के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं। और कौन से उपाय साथ में इसके, जैसे दिल्ली के अंदर जो है अल्टरनेट डेज पे जो ऑडिवन वाला फीजिबल नहीं होता जी, फीजिबल मतलब रैपिड ट्रांसपोर्ट वाला चीज इज ए सॉल्यूशन बट वो ओवरनाइट नहीं हो सकती। तो अगर मैं कहूं कि 2025 अक्टूबर की नवंबर के टाइम के कर लें, एक साल है हमारे पास अब कर लें, उसके लिए वो पैसे जुटाने, चीज परचेज करनी, दिस इज इजी टू से, जब आप प्रैक्टिकली देखते हो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डू। तो हमें, मैं जो अगर हूं तो मैं सिंपल करूं कि भाई एक हफ्ते के लिए एवरीथिंग इज क्लोज, बी एट होम, और एसेंशियल सर्विसेज सिर्फ रहेंगी। उनके लिए भी जो एसेंशियल सर्विसेज वाले भी हैं उनके लिए भी हमें कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी हेल्थ भी हमें उतनी ही जरूरी है जितनी बाकियों की हेल्थ। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स रखकर किया जा सकता है। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट्स कैन थिंक ऑफ दू नो क्यूरेटिव मेजर्स, के जैसे आपका क्वेश्चन था कि परमानेंट सोल्यूशन क्या निकले, एक आध साल अगर ये लॉकडाउन का कर दें एक एक हफ्ते के लिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और वही चीजें हम उसको कंपनसेट करने के लिए, जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में करता हूँ, अगर किसी एक दिन छुट्टी करनी है तो उसके अल्टरनेट कोई एक सैटरडे ओपन होगा जी, ओपन रहेगा। तो हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर हम तब्दीली ला सकते हैं, कब तक, जब तक हमारी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो जाती जी, जी, जी। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज वाला इशू जो है ये वर्ल्ड का इशू है। और देखो मैं इसको बार बार यही कहता हूँ, इट इज ए डायलॉग बिटवीन डेफ एंड डंब, कोई करना नहीं चाहता, मुंह जबानी बातें करते हैं। अब हो सकता है मिस्टर ट्रंप कर लें, पहले तो उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया, अब हो सकता है करें। अगर ग्लोबल लीडरशिप इस तरफ नहीं सोचती तो इंडिविजुअल देश नहीं कर पाएंगे। सर अगर मौसम की बात करें तो मौसम में जनरली जैसे तब्दीली आती है, जब भी चाहे वो सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा हो या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा हो या बरसात की तरफ जा रहा हो, तो उसमें जनरली एक हम देखते हैं कि एलर्जीज तो जनरली हो जाती हैं और उसमें भी एक काफ़ी बड़ी तादाद जो है हॉस्पिटल्स में देखी जाती है। स्नीजिंग का हो गया, सुबह उठ के छींकें आ रही है, नाक बहना हो गया, आंखों के अंदर जो है जलन होनी शुरू हो गई या गले में खराश होनी शुरू हो गई, तो
ये जो इसके साथ सिचुएशन बनी है पर्यावरण खराब होने की, जो ये पोल्यूशन की वजह से, इसमें और उसमें क्या अंतर क्या रहता है दोनों चीजों में? नहीं, वो ऐसे कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे को ये बल्कि प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के कारण बन जाते हैं, क्योंकि इसी मौसम में इकट्ठी हो जाती है पोल्यूशन के जो भी फैक्टर्स हैं क्रिएट करने वाले। एक तो स्मॉग हो गई जैसे, वो तो है ही, साथ में इंक्रीज्ड पोलन कंटेंट एयर का जो है, नए नए वृक्षों के मतलब के वो आ रही हैं, प्लांट्स हो रहे हैं, तो और घरों में सफाइयां भी हो रही हैं, इन्हीं दिनों में ज्यादा होती हैं जो फेस्टिवल सीजन है, तो उसके कारण डस्ट और क्रिएट होती है, तो इन सब चीजों से मिलके पोल्यूशन और बढ़ जाती है। जैसे कि टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, इवन जो नॉर्मली जो बोथ सीजन्स हैं, जो इधर मार्च अप्रैल है और अक्टूबर नवंबर है, तो ये ज्यादा हैवी एक तरह से सीजन है पोल्यूशन के सभी फैक्टर्स को क्रिएट करने के लिए। पोलन कंटेंट हवा का जो एस्थमा है और लंग की खांसी और बाकी चीजें हैं और बाकी एलर्जीज हैं, ये सब तो पोलन्स के कारण ज्यादा होता है। और पोलन्स इसमें एक दूसरा रीजन, एक तो है ना कंटेंट बढ़ जाता है, दूसरा के वो ऊपर नहीं उड़ पाते क्योंकि स्मॉग के कारण वो नीचे ही एटमॉस्फेरिक जो लेयर है उसी में रहते हैं, इसलिए उनकी ज्यादा वो होता है, धुआं है। तो गैसेस के बिना ये चीजें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है हवा में वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सब एक दूसरे को, एक जो बॉडी इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि किस कारण प्रॉब्लम हुई है जी। जिसको दमा हुआ है या निमोनिया हुआ है, वो इन सभी चीजों के कारण जो इनका अंदर इनसे इंजरी होती है जिसको हम कहते हैं, या अटैक होता है, तो उसके कारण प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो इन सभी को ही कंट्रोल कर, जैसे आपने ठीक कहा कि जो नॉर्मली भी अगर ये पोल्यूशन ना भी हो तब भी अक्टूबर नवंबर में अस्थमा ज्यादा होता है एलर्जी के कारण, लेकिन वो 2-3 गुना और बढ़ जाता है पोल्यूशन पोल्यूटिंग फैक्टर्स के कारण। उस एस्थमेटिक्स की अगर बात करें एलर्जीज की, तो उस एलर्जीज के अंदर होता ही है जनरली कि हम अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके बताते हैं, लेकिन उसका कोई परमानेंट निवारण नहीं आ पाता, उसमें वो एक प्रॉब्लम हमेशा के लिए बन जाती है। क्या इसका कोई परमानेंट निवारण हो सकता है? एग्जैगरेट चीजें कर रही हैं, घर में केमिकल यूज कर रहे हैं, घर के अंदर इवन परफ्यूम हम अपनी बॉडी पे यूज कर रहे हैं, या और भी कई फैक्टर्स हैं, तेल है, स्मोक है, तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अस्थमा को या एलर्जी को परमानेंट कंट्रोल करने का कोई तरीका है? देखिए, जो एलर्जीज है ना उनको आप खत्म तो नहीं कर सकते जी, क्योंकि ये बॉडी का जिसको कहते हैं कि इनहेरेंट वो है करेक्टर, किसी की बॉडी किसी चीज को एलर्जिक है, किसी की खाने की एलर्जी है, किसी को सांस की एलर्जी है, लेकिन उनको कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो है ना ट्रिगर रिमूवल, जो आपने मेंशन किए हैं, जैसे पोल्यूशन है चाहे तो इनको ट्रिगर्स को कंट्रोल करना, बाकी एलर्जीज को कंट्रोल करना संभव नहीं है टोटली, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं जो दवाइयां से, फार्मेकोथेरेपी ही सबसे जिसको हम कहते हैं वो अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि इफेक्टिव सॉल्यूशन। जैसे अस्थमा के लिए इनहेलर्स हैं जी, तो चांसेस हैं कि पेशेंट्स को इन दिनों में उनकी मात्रा को इंक्रीज करना पड़ जाए। तो रेगुलर लोग होता क्या है, छोड़ देते हैं दवाइयां लेने अक्सर, खास करके इनहेलर्स, जब अटैक हुआ तो ले लिया, नहीं तो छोड़ दिया, लेकिन जरूरी है कि वो रेगुलर मेडिकेशन चले ताकि वो एलर्जीज को कंट्रोल रखा जा सके। अब किस पेशेंट को कौन सी दवाई की जरूरत है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो उनके जो डॉक्टर्स हैं वही बता सकते हैं, लेकिन रेगुलर होनी चाहिए। बाकी वैक्सीनेशन जरूर इफेक्टिव होती है कुछ हद तक, 50-60% उससे इंसिडेंस कम हो जाता है, खास करके फ्लू वैक्सीन जो से, इसलिए इंडिया में वो रिकमेंड करते हैं कि नॉट ओनली ईयरली, ट्वाइस ए ईयर लगवा लेनी चाहिए, कि जब भी मौसम बदले उससे पहले ही फ्लू वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए जिससे। तो एक चीज सर सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम देखें कि जिस तरह से प्रशासन है या सरकारें हैं, हालांकि चंडीगढ़ के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, बावजूद उसके एक जरूरत ऐसे से वक्त में लगती है, क्योंकि हर आदमी पीजीआई नहीं जा सकता, हर आदमी हॉस्पिटल के अंदर नहीं अप्रोच कर सकता,
तो एक जनरल सॉल्यूशन के तौर पे एक ऐसा पैनल डॉक्टरों का होना चाहिए जो कि प्रशासन को भी एडवाइस करे और लोगों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी करे कि ये, इससे विश्वास कहीं ना कहीं लोगों का भी बढ़ता है कि हाँ ये डॉक्टर की तरफ से एडवाइस आई है, क्योंकि आम एडवाइस तो देते रहते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा पैनल जो है डॉक्टरों का बनना चाहिए? देखिए वो बन जाना चाहिए ये, लेकिन जो इसका इफेक्टिव तभी होगा अगर ये इसमें किसी की वो हो, ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट हो जी। वैसे तो जैसे IMA है जी, जो जनरल है, तो उसमें ऐसे हैं इन डॉक्टर्स जो के रेगुलर सलाह करने के लिए, देने के लिए और एडवाइस करने के लिए है मौजूद, लेकिन वो और मीडिया भी करता रहता है, लोग डिफरेंट इंटरव्यूज ले ली किसी डॉक्टर पर। आपकी बात ठीक है कि अगर फिक्स्ड पैनल हो जो कि IMA लीड कर सकती है, जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, या फिर जो डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज जो है चंडीगढ़ के, वो बना दें जो कि जनरल एडवाइजरी डिफरेंट मीडिया से, रिटर्न एज वेल एज विजुअल मीडिया से, तो कर सकते हैं प्रमोट। आई थिंक जनरल एडवाइस हॉस्पिटल्स में डॉक्टर सब मिलती है, लेकिन उसके साथ जो सुपर स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी ज्यादातर PGI में ही मौजूद है। और जैसे आप पल्मोनरी मेडिसिन के सुपर स्पेशलिटी की एक आपकी विशेषज्ञता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये अवेलेबल ना होने की वजह से, जनरल एडवाइस तो डॉक्टर कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में स्पेशल, एक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत है। देखिए वो पैनल में चंडीगढ़ में तो बड़ी अच्छी सर्विसेज अवेलेबल है, तो सुपर स्पेशलिस्ट को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम श्योर कि जो ज़्यादा डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, चाहे वो PGI के हैं, चाहे रिटायर्ड फैकल्टी है, या इवन जो सर्विंग फैकल्टी है, वो भी दे वुड बी हैप्पी कि इसमें योगदान दे सकें। जी जी, डॉक्टर कोहली, अब मैं आपसे एक सवाल, लास्ट सवाल पूछता हूँ कि इस सारी समस्या का हल क्या हो सकता है प्रशासन के लिए और लोगों के लिए, किस तरह से आप एडवाइस करेंगे? ये एडवाइस तो डॉक्टर जिंदल ने कर दी है, पर मैं ये सोचता हूँ कि ये सिर्फ अभी नहीं है जी, ये अब जैसे दिसंबर आएगा जी, फिर ये इशू होगा जी, स्मॉग एंड फॉग, ये नेचुरल इशू है, इससे हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, पर सुरक्षा की जरूरत है अभी। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि अपने आप को सुरक्षित कैसे करना है, और सरकार का जो दायित्व है वो अपना दायित्व पूरा करें। और मैं ये फील करता हूँ कि अगर हम थोड़े पीरियड के लिए लॉकडाउन करें उन दिनों, जिन दिनों ये IMD से पता लग जाता है कि कौन से दिनों में ये फॉग एंड स्मॉग होगी। अब ये आएगा ना फरवरी मार्च का टाइम, जब ठंड से गर्मी आनी शुरू होगी, फिर यही पोलन ग्रेन एंड ये एलर्जीज और ये सब शुरू हो जाएंगे इश्यूज। तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि भाई हर चीज ही हर टाइम ही लॉकडाउन किया जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर जहां पर हमें पता लग जाए, हम बहुत चीजें अपनी सेव कर सकते हैं, इकोनॉमिक सेफ्टी भी हो सकती है, अगर हम उन दिनों में लॉकडाउन करते पार्शियल या फुल। सेल्फ लॉकिंग लॉकडाउन भी किया जा सकता है कि आप अपने परिवार का इन दिनों के मूवमेंट कम कर दें, हर चीज के लिए मूवमेंट कम करते हैं जी, और हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना किस, चंडीगढ़ में बहुत हैं जो कि बिना किसी कारण के गाड़ी ली तो घूमने लग गए, तो ऐसी चीजें सेल्फ लॉकिंग जिसको कहते हैं परिवार फैमिली करते हैं कि भी हमने इस हफ्ते कहीं मूव नहीं करना, तो आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प आई एम श्योर। तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग बहुत हो गई है, बहुत हो गई है, तो उससे हम अपने घर से बाहर बहुत कम जाते हैं, हां बिल्कुल, जब यूनिवर्सिटी जाना होता तभी आते हैं यूनिवर्सिटी के घर, घर में अपने आप को सेल्फ लॉक कर लिया जी जी जी, और सामान खरीदना है तो वो हम डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग, नंबर ऑफ पीपल रिड्यूस किया जा सकता है कि कौन मूव कर रहा है घर से, कौन नहीं, कैसे, मतलब एसेंशियल जो जरूरी काम के लिए ही जाना चाहते हैं वही करें, अदरवाइज आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके जो है इस चीज के ऊपर एक व्हीकल्स की तादाद, ये भी कर सकते, पैदल चले जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार गाड़ी में ही जाना है, आपको किसी
पास की मार्केट में जाना है और वैसे भी इवन दूर स्कूल थोड़ा बहुत और ये एक्सरसाइज भी होती है तो बढ़िया व्हीकल का जो शुरू हुआ है दिस आल्सो गोइंग टू बी यूजफुल इनिशिएटिव जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्स एंड स्कूटर्स अच्छा इनिशिएटिव है जी। इसमें सिर्फ अभी तक वो बैटरी का इशू है थोड़ा सा साइकिल यूज करिए यहां जरूरी तो नहीं है कि हम आगे लोग साइकिल करते थे ना कई कंट्रीज में चंडीगढ़ में तो काफी अच्छा साइकिल रैक्स बने हैं आई थिंक मूवमेंट तो अपनी मूवमेंट कार में ज्यादा कम रखिए साइकिलों पे ज्यादा करिए जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कोहली और डॉक्टर एस के जिंदल जो पीजीआई से हैं और डॉक्टर कोहली वाइस चांसलर है एमिटी यूनिवर्सिटी बठिंडा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। तो इन्होंने जो अपनी राय दिया है कि हम सेल्फ कंट्रोल करके भी बहुत सी चीजों को जो है ठीक कर सकते हैं, सिर्फ सरकार या प्रशासन के भरोसे पर मत रहें, आप अपने आप भी जो है इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। व्हीकल कम चलाइए, साइकिलिंग कर कीजिए, पैदल चलिए, कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां पे जाता है तो वो यूज कीजिए ताकि सड़कों के ऊपर कम से कम पॉल्यूशन हो। और ये जो स्थिति बनी है इसमें जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, आम जनता बीमार हो रही है, इस स्थिति पर हमारा अपना भी कोई परिजन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आप खुद जो है एक जो है इनिशिएटिव लीजिए और आगे बढ़िए। तो देखिए ये सिचुएशन शायद इससे हम पार पा जाएंगे जल्दी। साजन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से।